साइलेज वाली मक्की हो या फिर हरे चारे के लिए अगर हमने मक्की लगा रखी है घर पर, तो उसके अंदर सुंडी का जो अटैक है मेनली वो अधिक मात्रा में देखने को मिलता है, जिसे आप फॉल आर्मी वर्म बोल देते हो। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो सुंडी है उसका नाम फॉल आर्मी वर्म क्यों पड़ा है। आर्मी का मतलब आप समझ रहे हो कि कोई ग्रुप है या समूह है, क्योंकि आर्मी किसी एक व्यक्ति को नहीं बोला जाता, पूरा का पूरा जो समूह होता है उसको आर्मी बोला जाता है। ये जो तितली होती है या फिर ये जो मौत होता है फॉल आर्मी वर्म यानी कि जो फिड़कला होता है, जब भी ये अंडा देता है तो 50 से लेके 200 की संख्या में जो अंडे हैं वो ये मौत देता है, यानी कि एक काफ़ी बड़ा जो समूह है उससे जो लार्वे हैं वो निकलते हैं। मान के चलो अगर इसने 80 भी अंडे दे दिए, 80 में से अगर 50 जो लार्वे या फिर सुंडी है वो निकलती है, तो सुंडी निकलने के बाद जो लार्वा होता है वो काफ़ी भूखा होता है, यानी कि वो एकदम से पूरा का पूरा जो आंतक है वो मचाता है, फसलों को बड़ा ही जल्दी बर्बाद करता है। अगर आपने सुबह कोई फसल देखी है तो शाम के समय भी अगर आप उसे देखोगे तो काफ़ी मात्रा में जो नुकसान है वो कर चुका होता है। तो इसलिए इसे बोला जाता है कि फॉल आर्मी वर्म, यानी कि इस पूरे समूह के अंदर अत्यधिक मात्रा में जो नुकसान है वो हमारी फसलों को पहुँचाना। तो वीडियो के अंदर आप देख रहे हो ये मेरी खुद की 3 एकड़ जो साइलेज है वो लगाई हुई है। मैंने इसके अंदर परसों ही जो दूसरी डोज है इंसेक्टिसाइड की वो डाली है। इसके अंदर जो फॉल आर्मी का अटैक है वो लगभग कम ही हुआ, क्योंकि मैंने टाइमली जो स्प्रे है वो यूज़ किया है। तो हम स्प्रे के बारे में जिक्र करते हैं कौन कौन सी जो स्प्रे है वो डाली है। अगर किसी किसान के यहाँ जो ग्रोथ है वो कम हो रही है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। ग्रोथ का कम होना हमारा मेनली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो हाई चला जा रहा है। इसमें आप कोई भी फसल लगा लो, चाहे कोई सब्जी वाले फार्मर है या बागवानी वाले फार्मर है, कोई भी किसी भी किसान ने किसी भी तरह की फसल लगा रखी है तो उसके अंदर जो ग्रोथ है वो कम देखने को मिलती है। आमतौर पर हम फार्मर क्या करते हैं कि नीचे फर्टिलाइजर का जो जोर है वो ज़्यादा देते हैं कि हमारी जो ग्रोथ है वो ऊपर आए। लेकिन कोई भी फसल हो, एक ये जेनेटिकली लॉजिक है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो जो फसलें हैं जड़ द्वारा जितने भी न्यूट्रेंट है या फिर जो खाने हैं वो कम मात्रा में उठाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि ज़्यादा मात्रा में जो खादें हैं वो ना डालें। अगर शाम के समय या सुबह जल्दी ठंड का मौसम लग रहा हो तो तभी आप जो फर्टिलाइज़र है वो यूज़ करें, अन्यथा मेरी सलाह ये है कि आप फोलियर एप्लीकेशन के अंदर यानी कि स्प्रे में हो सके तो जितने भी न्यूट्रेंट है आप दे सकते हो। मैंने इस मक्की के अंदर पहला जो स्प्रे है वो नोवालुरान प्लस में इंडोक्सा कारब यानी कि अदामा की पल्थोरा नाम से दवाई आती है, 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी में जो स्प्रे है वो किया है, जिसका मुझे रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा लगा। दूसरा मेरा जो इंसेक्टिसाइड स्प्रे है वो राया स्वास्थ्य कंपनी की ओला 999 से की जो प्रोडक्ट है वो आता है, तो इसका मैंने स्प्रे किया है। ओवरऑल जो रिजल्ट है वो फार्मर इसका ठीक बता रहे हैं, जैसे भी रिजल्ट बढ़िया आता है तो उसके रिगार्डिंग भी हम जो वीडियो है वो बना देंगे। किसान साथियों, मेरा इसके अंदर खाद डालने का जो तरीका है वो भी थोड़ा सा अलग है। मैंने खुद का एक जो जुगाड़ है वो बना करके फर्टिलाइज़र यहाँ पे डाले हैं। उस फर्टिलाइज़र का बेनिफिट ये होता है कि एक तो प्रॉपर पौधों को जो फर्टिलाइज़र है वो प्रॉपर डोज के अंदर मिलता है, एक्स्ट्रा आपका जो खर्चा है यानी कि जो बीच के अंदर खाली स्पेस है उसके अंदर आपने जो भी फर्टिलाइज़र डाला है वो किसी काम का नहीं रहता, इसलिए आपके वहाँ पर पैसे व जो समय है दोनों बच जाते हैं। वीडियो के अंदर आप देख भी रहे हो कि ये जो जुगाड़ है वो किस तरीके से बनाया हुआ है, काफ़ी ईजिली बन जाता है, घर का ही सिस्टम है, कोई महंगा सिस्टम नहीं है, खाद डालना भी बड़ा ईजिली रहता है। खत्म किसान साथियों, जानकारी आपको समझ आ चुकी होगी। जिन भी किसानों को फॉल आर्मी वर्म या फिर सुंडी से परेशानी हो तो आप अपनी जो सॉल्यूशन है वो कर सकते हो। धन्यवाद किसान साथियों।